Now we are going to discuss the explanation of photoelectric effect, and this explanation was given by Einstein. That's why this is called Einstein's explanation of photoelectric effect. In this, the final explanation will be photoelectric equation. 1905 में आइंस्टीन ने मैक्स प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस यूज करते हुए फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया. एंड व्हाट इज मैक्स प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस? मैक्स प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस ये है कि द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन्स. मींस लाइट प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन्स. ईच बंडल और पैकेट have energy equal to h nu, where h is Planck constant and nu is the frequency of that radiation. Means its energy increases with the frequency of radiation. Light photon ki energy jyade kab hogi? Jab uski frequency badhe. Isi ko use karte huye Einstein ne kaha, when a light photon falls on the metallic surface, then it transfers its whole energy to a single electron, and this energy is used by electron in two parts. First, in coming out from the metallic surface, and this energy is called work function, the minimum amount of energy required for the emission of electron from the metallic surface is called work function. And the rest energy will be used by the electron in the form of its kinetic energy. Jo rest energy hogi, woh iski kinetic energy. Yani light photon iski energy h nu hai, incident hua, ek electron ko isne apni total energy transfer kar di aur iska apna existence samapt ho gaya. और इस एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन ने दो पार्ट में यूज किया. अब यहां से आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि इफ एनर्जी एच न्यू इज लेस देन डब्लो वर्क फंक्शन, देन देयर विल बी नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ाया गया. तो यहां पे ये इंसिडेंट हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कह रहा है? इंसिडेंट एनर्जी इज एच न्यू एंड this energy is used by electron in two ways. First one is work function and second one is kinetic, the kinetic energy of emitted photo electrons. Any confusion? No. But if the incident light photon have frequency equal to threshold frequency, ek baat aur samajh lijiye, ye जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इससे इमिट होंगे उन सबकी एनर्जी जो है इक्वल नहीं होगी, अलग अलग होगी. अब कोई इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है तो इसको निकलने में कम एनर्जी चाहिए होगी मेटेलिक सरफेस, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो इसको निकलने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी. एक बात और, ऐसा नहीं है कि 100 लाइट फोटॉन्स इसमें इंसिडेंट होंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. सारे के सारे फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं करा सकते. इसका मतलब नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन मे बी स्मॉलर देन इंसिडेंट फोटॉन. ये वैल्यू हम इंक्रीज कर सकते हैं, प्रॉपर उसका अरेंजमेंट है. अब आपने बताया एच डी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई के, एंड हियर इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नाउ इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन व्हाट विल हैपन टू ई के? हमको पता है कि इस मोमेंट पे कोई एनर्जी नहीं होगी,
क्योंकि ये पूरी की पूरी एनर्जी तो बस इसको निकालने सरफेस तक पहुंचाने में यूज हो गई, अब इसके पास तो कुछ एनर्जी मिली नहीं, यानी ई के इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो। सो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जीरो मीन्स वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू, ये वर्क फंक्शन, और ये वैल्यू इस रिलेशन में हम रख देंगे तो हमें मिल जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू यू हैव एच न्यू नॉट प्लस ई के। सो व्हाट अबाउट ई के, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन एज एच न्यू माइनस एंड दिस कैन बी रिटन एज यू नो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन हियर यू हैव ऑब्टेंड ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 बाय 2 दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यू माइनस एक्चुअली दिस इज आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन एक्सप्लेन ऑल द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको यूज करते हुए हम सारे के सारे लॉज एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखिए कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन? फर्स्ट लॉ यह है कि द रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जब आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज होंगे, और जब नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। दिस इज द फर्स्ट लॉ, जितनी बड़ी इंटेंसिटी होगी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, और पॉसिबिलिटी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करें। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड क्या है? सेकेंड है द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी आप चेंज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स ही इंक्रीज हो रहे हैं, और जब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं एनर्जी तो उनकी इंक्रीज हो नहीं रही है, और जब एनर्जी फोटॉन की ही इंक्रीज नहीं हो रही है, उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, तो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी चेंज नहीं हो। दिस इज द सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ तो बिल्कुल क्लियर है, विद इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। क्लियर है? फ्रिक्वेंसी अगर न्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ये जो लाइट फोटॉन है इसकी एनर्जी जितनी ही ज्यादा होगी, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। और फोर्थ क्या, देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच देयर इज नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। आप यहां से देख सकते हो इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट व्हाट विल हैपन टू ईके, ईके बिकम्स नेगेटिव व्हिच इज नॉट पॉसिबल। काइनेटिक एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसका मतलब ये हुआ कि बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयर विल बी नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। दिस इज द फोर्थ लॉ। और फिफ्थ क्या है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ये भी बिल्कुल क्लियर है, जब फोटॉन इस पे इंसिडेंट किया जाता है तो ये अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है सिंगल इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस में कोई भी डिटेक्टेबल ऑब्जर्वेबल टाइम लैग नहीं होता। तो इस तरह से हमने आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी ऑब्जर्व कर लिया, और इससे ऑल द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एक्सप्लेन हो गए। इसी बेसिस पे 1921 में इनको नोबेल प्राइज जो है दिया गया। तो ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है और उसका एक्सप्लेनेशन है। थैंक्स।